हेल्दी फूड्स लिमिटेड की ऑथराइज कैपिटल है ₹50 लाख और ये कैपिटल डिवाइडेड है 5 लाख शेयर्स में, 5 लाख इक्विटी शेयर्स में, और हर एक शेयर जो है वो ₹10 का है। ठीक है बच्चों, फिर कहा गया बच्चों आपको यहां पर कि कंपनी ने 375,000 शेयर्स जो है वो इशू किए हैं। ठीक है बच्चों, और इनको इशू किया गया है एट अ प्रीमियम ऑफ 20%, यानी कि ₹20 होता है बच्चों। कंपनी ₹4 ले रही है ऑन एप्लीकेशन, ₹5 वो ले रही है ऑन अलॉटमेंट, जिसमें ₹2 प्रीमियम के भी इंक्लूडेड है, और बैलेंस वो लेगी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। तो बैलेंस मैं आपको बता देता हूं बच्चों, 5 में 2 प्रीमियम के हैं तो 3 कैपिटल के होंगे। ठीक है बच्चों, तो 4 और 3 7, इसका मतलब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ₹3 की होगी। ठीक है, अब वो आपसे कह रहे हैं आगे कि वो कंपनी के जो शेयर्स हैं वो सब्सक्राइब्ड हो गए, यानी शेयर जो कंपनी का इशू है वो फुली सब्सक्राइब्ड हो गया, और कंपनी को ड्यू अमाउंट मिल भी गया एक्सेप्ट अलॉटमेंट मनी ऑन 25,000 शेयर्स। एप्लीकेशन तो हर कोई देता है, अलॉटमेंट भी लगभग सभी ने दे दिया एक्सेप्ट ऑन 25,000 शेयर्स, 25,000 शेयर्स पे कंपनी को अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला। इन 25,000 शेयर्स पे कंपनी को अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला, बाकी जो 350,000 शेयर्स है उन पे कंपनी को अलॉटमेंट का पैसा मिल गया। कंपनी ने इन शेयर्स को फॉरफीट कर लिया अलॉटमेंट के बाद ही, अलॉटमेंट ना मिलने की वजह से कंपनी ने ये 25,000 शेयर्स को फॉरफीट कर लिया है। ठीक है बच्चों, और इनको बाद में ₹7 पर शेयर का पेड अप मानते हुए रीइशू भी कर दिया गया। कितने का रीइशू किया है ये नहीं बता रखा, लेकिन ये पक्का बता रखा है कि ₹7 पर शेयर पेड अप मान के इनको रीइशू किया गया है, और ₹50,000 का गेन हो गया इनको इनके रीइशू पे, जिसे कैपिटलिज्म में ट्रांसफर भी कर दिया गया है। ठीक है बच्चों, ₹7 पर शेयर पेड अप मान के रीइशू किया है, और ₹50,000 जो है वो कैपिटलिज्म में ट्रांसफर भी किया गया है। फिर बाद में कंपनी ने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मांगी है, और फिर एक शेयर होल्डर जिसके पास 10,000 शेयर थे इस बार फाइनल कॉल उसने नहीं दी है। ठीक है बच्चों, इस आदमी ने फाइनल कॉल नहीं दी है जिसके पास 10,000 शेयर्स थे, जिसे कंपनी ने कॉल्स इन अरियर अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन कुछ इस तरह का है, आपको एंट्रीज बनानी है फॉर द फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, रीइशू ऑफ फॉरफीचर शेयर, एंड फॉर द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो आपको सारी एंट्रीज नहीं बनानी है इस क्वेश्चन में, आपको सिर्फ इन शेयर्स को फॉरफीट करने की एंट्री बनानी है, रीइशू की एंट्री बनानी है, एक एंट्री गेन की भी बना दीजिएगा, बेशक इन्होंने कहा नहीं है लेकिन बनाइएगा उसको, और फिर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मांगने की और उसको रिसीव करने की एंट्री आपको बनानी है इन दिस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन काफी अच्छा है, स्पेशली यहां पर हमें ये जानने में जो है वो है जानना बहुत जरूरी है कि इन शेयर्स को रीइशू कितने प्राइस का किया गया है, वो मैं बताऊंगा बच्चों, वो पैसा आपको कैसे मिलेगा। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं 25,000 शेयर्स के फॉरफीचर से, जिन पे अलॉटमेंट पे अरियर आया था और उनको अलॉटमेंट के बाद ही फॉरफीट कर लिया गया था। तो बच्चों जब ये 25,000 शेयर्स फॉरफीट करेंगे तो ध्यान रखिएगा इन पे ₹4 एप्लीकेशन के मिल चुके हैं, 3+2 अलॉटमेंट के नहीं मिले हैं, और ₹3 फाइनल कॉल के मांगे नहीं गए हैं। तो जब इन शेयर को फॉरफीट करेंगे तो हम अपने शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। आप पूरा पूरा नाम लिखिएगा बच्चों, ऐसे मत लिखिएगा मेरी तरह, आप लिखिएगा पूरा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो 25,000 x 7 करिएगा, क्योंकि आखिरी के ₹3 भी मांगे नहीं है कैपिटल के, ये होता है 1,75,000। आप सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को भी डेबिट करिएगा 25,000 x 2। प्रीमियम इसलिए डेबिट करेंगे क्योंकि प्रीमियम नहीं मिला है। आप कॉल्स इन अरियर अकाउंट को क्रेडिट करिएगा 25,000 x 5, यानी 1,25,000, और फॉरफिटेड शेयर अकाउंट को क्रेडिट करिएगा 25,000 x 4, यानी ₹1 लाख से।
सही है बच्चों, ये होगा इन शेयर्स के फॉरफिट करने की एंट्री। सुन में आया बच्चों? अब इनको रीइशू की जो एंट्री करने से पहले पहले पता कर लेते हैं कि इनको कितने प्राइस पर रीइशू किया गया है। तो बच्चों जो इन शेयर्स को रीइशू किया गया था तो उनके रीइशू करने पे कंपनी को 50,000 रुपीज का गेन हुआ था और नंबर ऑफ शेयर्स जो रीइशू करे गए हैं वो 25,000 है। तो कंपनी को एक शेयर पे कितना गेन हो रहा है? ₹2 पर शेयर का कंपनी को गेन हो रहा है एक शेयर पे। दिस इज गेन पर शेयर। और आपको बच्चों पता है फॉरफिट अमाउंट पर शेयर कितना है? जितना एप्लीकेशन का मनी था, क्योंकि इन 25,000 शेयर्स पे केवल एप्लीकेशन मनी ही तो मिला था, तो फॉरफिट अमाउंट पर शेयर है ₹4। तो बच्चों गेन पर शेयर जिसे मैं जीपीएस बोलता हूं उसको निकालने का तरीका होता है फॉरफिटेड अमाउंट पर शेयर माइनस डिस्काउंट अलाउड पर शेयर। तो गेन पर शेयर है ₹2, फॉरफिट अमाउंट पर शेयर है ₹4, डिस्काउंट अलाउड पर शेयर आपको ढूंढ लीजिए वो आ गया निकलकर ₹2। यानी कंपनी ने इन शेयर्स को ₹2 पर शेयर के डिस्काउंट पे अलाउ जो है रीइशू किया है और ₹7 पेड अप मान के रीइशू कराया गया है शेयर्स को, है ना। तो बच्चों अमाउंट रिसीव्ड पर शेयर जो है ऑन रीइशू, यानी जो पैसा बैंक में डेबिट करेंगे वो पर शेयर मैं बता देता हूं कितना मिला है। आपने शेयर की पेड अप वैल्यू 7 रखनी है, उसमें से डिस्काउंट अलाउड पर शेयर जो मैंने अभी ढूंढा उसे माइनस कर दीजिए। यानी कि इन शेयर्स को रीइशू किया गया है फॉर ₹5 पर शेयर और कितने शेयर रीइशू करे हैं 25,000। तो टोटल पैसा कितना मिला होगा? 25,000 × 5 यानी कि 1,25,000। अब बना लेते हैं बच्चों रीइशू की एंट्री। शेयर्स के रीइशू की एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि जितना डिस्काउंट दिया उसे फॉरफिट शेयर अकाउंट को डेबिट करेंगे, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 25,000 × 7 यहां डाल देंगे 1,75,000। 25,000 × 5 यहां डालेंगे जो हमने अभी ढूंढा कि पर शेयर कितने रुपीस मिले होंगे 1,25,000। और जितना डिस्काउंट दिया है 25,000 × 2 वो यहां आ जाएगा यानी कि 50,000। ये हो गई बच्चों इन शेयर्स के रीइशू की एंट्री। सही है, मैं फिर बता देता हूँ मैंने अमाउंट रिसीव पर शेयर कैसे निकाला है ऑन रीइशू पे। हमें टोटल कैपिटल रिजर्व पता था ₹50,000 का और जितने शेयर रीइशू हुए थे वो है 25,000। तो मैंने गेन पर शेयर ढूंढ लिया ₹2 और टोटल फॉरफिट अमाउंट पर शेयर जो था, पर शेयर का फॉरफिट अमाउंट वो था ₹4 जो एप्लीकेशन पे कंपनी को मिल चुका था इन शेयर्स पे। तो गेन पर शेयर का फॉर्मूला होता है फॉरफिटेड अमाउंट पर शेयर माइनस डिस्काउंट पर शेयर। तो मैंने ऐसा यूज करके गेन पर शेयर को माइनस कर दिया फॉरफिट पर अमाउंट पर शेयर से, मुझे डिस्काउंट पर शेयर मिल गया ऑन द रीइशू जो कि आया ₹2। और अमाउंट रिसीव ऑन रीइशू निकालने के लिए मैंने शेयर की पेड अप वैल्यू जो आपको दे रखी है कुछ में साफ साफ ₹7, उसमें से डिस्काउंट पर शेयर हटा दिया तो मेरे को पता चल गया कि इन शेयर्स को ₹5 पर शेयर के हिसाब से रीइशू किया गया है। तो ₹5 × 5 जो कि हो गया 1,25,000 वो बैंक में डाल दीजिए, जितना डिस्काउंट दिया वो फॉरफिट शेयर में, जितना पेड अप माना है वो शेयर कैपिटल में। ठीक है बच्चों, अब रही बात गेन ऑन रीइशू की एंट्री की, तो वो तो ऐसी ही बनेगी बच्चों फॉरफिट शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 50,000। ये तो एंट्री बननी ही बननी है और किस अमाउंट से बननी है ये तो इन्होंने हमें पहले ही बता रखा है ना। अब एंट्री बना लेते हैं बच्चों आखिरी कॉल मांगने की। तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने रुपए की है बच्चों? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है ₹3 पर शेयर। टोटल शेयर कितने हैं? 3,75,000। तो 3,75,000 × 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 11,25,000। ये बन गई आपकी आखिरी कॉल की एंट्री। अब आखिरी कॉल को रिसीव भी करना है और आखिरी कॉल पे आप याद रखिएगा बच्चों जो एरियर्स है वो है ₹10,000 शेयर्स का। तो बैंक अकाउंट डेबिट करिए
कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट करिए टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। यहाँ पे 11,25,000 ही लिखिए, यहाँ पे 30,000 लिखिएगा 10,000 शेयर पे जो अरियर है, ये आ जाएगा 10,95,000। और याद रखिएगा बच्चों, ये फाइनल कॉल हमने उन शेयर्स पे भी मांगी है जिनको हमने अभी जस्ट रीइशू किया है, क्योंकि इन शेयर्स को हमने ₹7 पर शेयर पेटअप मान के रीइशू करा था, और जो बचे हुए 3,50,000 शेयर थे जिन पे कोई अरियर नहीं था उन पे तो हमने फाइनल कॉल मांगनी ही मांगनी थी। इन 25,000 शेयर्स को जो हमने अभी रीइशू किया है उन पे भी हमने आखिरी कॉल मांगी है, ठीक है बच्चों। तो आखिरी कॉल इसलिए पूरे 3,75,000 शेयर से ही मांगी गई है, क्योंकि जो शेयर फॉरफिट किए गए थे वो रीइशू भी कर दिए गए, तो फिर से वो उन्हीं शेयर्स में शामिल हो गए जिन शेयर्स पे कोई अरियर नहीं था। उन 3,50,000 शेयर्स में 25,000 शेयर और ऐड करके हमने फाइनल कॉल मांगी है पूरी 3,75,000 शेयर से। अगर वो शेयर्स फॉरफिट होते मगर रीइशू नहीं होते और हम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मांगते तो हम 3,50,000 शेयर्स पे ही वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मांगते, लेकिन क्योंकि उन शेयर्स को फॉरफिट करने के साथ साथ रीइशू भी कर दिया गया था तो फाइनल कॉल फिर से 3,75,000 शेयर्स पे मांगी गई है बाय द कंपनी। और अब जब कंपनी को फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मिला है तो 10,000 शेयर्स पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं मिला कंपनी को, तो उसका एरियर हमने यहाँ पर ओपन किया है एट द टाइम ऑफ रिसीविंग द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। क्लियर हो गया बच्चों ये क्वेश्चन? अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा हटके क्वेश्चन था, बट हार्ड बिल्कुल भी नहीं था।